Life is nothing if not lived with true passion. And there are some people who are simply more driven, more inspired, more determined, more motivated than the rest. Those wanting to knock down the walls and reaching beyond what's normal, making their dreams come true by reimagining the future. They are brave. They are risk takers. They are the change we wish to see in this world. Let's meet the initiators, the inventors, the discoverers, the visionaries, the ones who change the game. We are Manil Rohit, brothers and artists, and we are back with another journey to creatively inspire you again. Let's meet the Creative Indians. नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत ही कन्फ्यूज्ड आदमी है एक्चुअली, है ना? और एज एन आर्टिस्ट ट्राई कर रहा हूँ टू बिकम एन एक्टर. मैं एक्चुअली बहुत बोरिंग आदमी हूँ. वैसे मैं कोई ऐसी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं नहीं मेरे पास जो मैं करता हूँ. बट ये था कि मुझे इंटरेस्ट जगा मेरा जब मैंने पहली बार थिएटर देखा, प्ले देखा, तो उसमें मुझे लगा कि यार ये ऑडियंस और एक्टर की जो केमिस्ट्री है बीच में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आई थिंक वही सबसे ज़्यादा फैसिनेट की मेरे वो उसी चीज़ ने. बस ये था कि उसके बाद मैंने सारी चीज़ें छोड़नी शुरू कर दी. जॉब भी करता था मैं, सब चीज़ें छोड़ दी मैंने और मैं थिएटर के पीछे पड़ गया. मेरे लिए सब कुछ है. मेरा रिलीजन है, मेरा पैशन है, मेरा ब्रीदिंग है, मेरा सब कुछ यही है. अगर किसी को मुझे मारना है तो मेरे से काम छुड़वा दे, मैं खुद ही मर जाऊँगा. ऐसा है. मुझे थैंक गॉड जिस तरीके से मैं काम करना चाहता था उस तरीके से काम करने का मौका मिला. उस तरीके की फिल्में मिल रही है मुझे. मैं कभी भी और एक ये चीज़ थी कि क्लिशेड नहीं करना चाहता था अपनी लाइफ में. आप कुछ नहीं बोलेंगे. 6-7 साल से जो टाइम आया है ये, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं. आई थिंक एक एक्टर के लिए इससे बढ़िया टाइम कुछ नहीं हो सकता, जहाँ पे हर तरह की फिल्म आप कर सकते हैं. मैं किसी एक पर्टिकुलर जॉनर में या किसी पर्टिकुलर तरह का एक्टर नहीं बनना चाहता. मैं हर जॉनर को ट्राई करना चाहता हूँ, हर चीज़ को टैप करना चाहता हूँ. और जो भी अनकंफर्ट जोन में है एक्टर के, उस चीज़ को सबसे पहले ग्रैब करना चाहता हूँ. आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज दैट पर्सन दैट यू नो विद हिज हम्बल अपीयरेंस, विद हिज हम्बल लुक्स, विद हिज हम्बल बैकग्राउंड, ही इज मैनेज्ड टू सॉर्ट ऑफ ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स ऑफ एक्टिंग एंड ही इज गिवन अस दैट फिगर ऑफ इंस्पिरेशन. उनकी स्ट्रगल्स, उनका हम्बल बैकग्राउंड इज़ इंस्पायरिंग फॉर द मिलियंस ऑफ स्टार्स जो रोज़ मुंबई आते हैं एंड कुछ बनने आते हैं. दैट अगर आपके अंदर टैलेंट है एंड आपके अंदर मेहनत है तो आपको किसी लॉबी की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड अ गॉडफादर, यू जस्ट नीड टू परसिवियर. आपको सालों लग जाएंगे जैसे उनको लगे. उनके चेहरे पे यू नो यू कैन सी ऑन हिज फेस द एंगस्ट इन हिज आइज, द डेप्थ एंड द पैशन टू फॉर हिज क्राफ्ट, एंड दैट इज़ ओनली विच सर्वाइव्स. The roles like Sarfarosh, that Kedi, that guy he played in the jail, you know, from Munna Bhai, that guy who was getting beaten up at the Dhobi Ghat, you know, it's just unbelievable to think of the amount of effort or the amount of, you know, belief and passion and perseverance that would have taken to be here. So he's the absolute game changer. Looking forward desperately. Yeah, desperately. हम लोग बहुत देर से एक वो फैन मोमेंट होता है उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखा हुआ है क्योंकि होस्ट हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल लगना चाहिए. बट कांट बिलीव कि कहाँ हैं आपके साथ बैठे हैं अभी. तो थैंक यू सो मच आपके जगह पे बुलाने के लिए, टाइम देने के लिए. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच. क्या है आपकी, क्या दुनिया क्या है आपकी, व्हाट इज़ योर वर्ल्ड? यार मेरा बहुत छोटी सी दुनिया है, बहुत लंबी चौड़ी नहीं, बहुत छोटी सी है. काम करता हूँ
ऑफिस में आ जाता हूँ या घर पे चले जाता हूँ मैं। एज एन आर्टिस्ट क्या दुनिया है आपकी, मतलब आप कैरेक्टर में होते हो, कैरेक्टर के बाहर होते हो, क्या होते हो आप? नहीं, जब फिल्म की शूटिंग होती है उस दौरान तो थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा, तब उस दौरान थोड़ा सा रहता है मेरा जो आउटर वर्ल्ड है थोड़ा सा उससे कट जाता हूँ। और वैसे भी मैं, मेरा थोड़ा सा रहता है, मैं कटा ही रहता हूँ थोड़ा सा वर्ल्ड से। जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था NSD की, मैं अपना काम करता था और अपना दोस्तों के साथ बैठ गए, एक्टिंग की बातें करते थे। और अभी भी वही है, जब टाइम मिलता है, यार दोस्त हैं उनके साथ बैठ के उसी टाइप की बातें करते हैं, वही पूरी दुनिया है। एक्टिंग के बारे में बातें करना, एक्टिंग करना, फिल्में देखना, ये इसी दुनिया तक मैं अपने आप को महदूद रखना चाहता हूँ। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा भैया। गोइंग बैक, आप सबसे पहले आपने कब रियलाइज़ किया कि ये मैं एक्टिंग करनी है मुझे? मुझे एक्चुअली बहुत लेट पता चला था, क्योंकि मैं गांव से था, फिर शहर में आया, पढ़ाई वढ़ाई पूरी की, फिर आके किसी ने थिएटर दिखा दिया मुझे। अच्छा, शहर में कहाँ पे? दिल्ली में जब आया तो अच्छा। दिल्ली में मुझे थिएटर दिखाया किसी ने, वो काफ़ी लेट हो चुका था आफ्टर ग्रेजुएशन। अच्छा, तो थिएटर देख के मुझे लगा कि यार ये एक्टर और ऑडियंस की जो केमिस्ट्री है बहुत इंटरेस्टिंग है, आई थिंक मुझे ये करना चाहिए, ट्राई करता हूँ। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था बहुत, तो उसके लिए फिर मैं बैक स्टेज किसी अमेचर ग्रुप में बैक स्टेज करना शुरू किया, कई साल तक किया। फिर उसमें फिर एक रोल मिला, जैसे फिल्मों में स्टार्ट हुआ था वैसे थिएटर में भी एक लाइन से स्टार्ट हुआ। कितना आपका, जैसे आपका जो NSD का जो टाइम था, थिएटर का टाइम था, कितना आपको आज जो आपका पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ एक्टिंग है, कितना आपको क्रेडिट उधर दोगे? बिकॉज कई बार ये भी होता है कि थिएटर के आर्टिस्ट बहुत लाउड हो जाते हैं। आप देखेंगे जितनी भी रियलिस्टिक फिल्में हैं हमारे यहाँ, इंक्लूडिंग बैंडिट क्वीन, उसमें सारे थिएटर के एक्टर थे। वो एक फॉर्म होती है लाउड की, जो स्टेज पे होती है, जो स्टेज पे होती है, और फिल्मों में भी लाउड करते हैं, ऐसा नहीं। तो पर्टिकुलर जनरलाइज नहीं, किसी को वो नहीं कर सकते, पॉइंट आउट नहीं कर सकते आपके थिएटर के एक्टर ऐसे। तो थिएटर ऐसा, मतलब मैं एक लेमैन की तरह पूछ रहा हूँ कि एक थिएटर ऐसा क्या एक्सपीरियंस देता है कि जिससे एक आदमी में इतनी रेंज आ जाती है? एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर होता है उसमें। उसमें आप जैसे हम लोग जब NSD में थे तो हम लोग एक फॉर्म होती है, पारसी थिएटर होता है, तो उसमें लाउड बोलते थे हम लोग, क्योंकि वो फोक फॉर्म थी वो। रियलिस्टिक प्लेस भी होते थे जो प्रोसेनियम में होते हैं, वो भी होते थे। संस्कृत प्लेस भी होते थे, शेक्सपियर के प्लेस भी करते थे, मोलियर के भी करते थे, स्लैपस्टिक कॉमेडी, ये वो सब, विट कॉमेडी, ये सारी चीज़ें। तो पूरा जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वर्ल्ड की, हमारी कंट्री में इतनी सारी फॉर्म्स थी थिएटर की, वो सब उसमें हम लोग करते हैं, वो वहाँ पर सिखाया जाता है वो। तो डेफिनेटली आपको मालूम होता है कि भाई हर तरह की नेट प्रैक्टिस है। हाँ, हर तरह की प्रैक्टिस हो जाती है। आप क्रिएटिवली कैसे प्रिपेयर करते हो अपने आप को किसी रोल के लिए? आई थिंक पहले तो डायरेक्टर जो बताते हैं कि भाई मैं इस कैरेक्टर को इस तरीके से सोच रहा हूँ, अब बाकी लोगों ने, उनके असिस्टेंट ने, वो कैसे सोच रहे हैं उस कैरेक्टर को, या जिसने स्क्रिप्ट पढ़ी है, वो सारे लोग किस तरीके से, तो क्या कॉमन चीज़ है सब में, सबका पर्सपेक्टिव लेते हो आप, सबका पर्सपेक्टिव ले लो आप। उसके बाद अगर फिर ऑफकोर्स, क्योंकि आप कर रहे हो तो आपका आपका भी एक इनपुट होता है, इंटरप्रिटेशन। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है आपके, हाँ, उनकी चीज़ों को लेके फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है उस कैरेक्टर को। मेरा कोई एक मेथड नहीं है किसी एक रोल को एक ही सेम प्रोसेस के थ्रू मैं प्रिपेयर करूँ किसी रोल को। हर रोल की अलग अलग डिमांड होती है, हर रोल बोलता है कि मुझे इस तरीके से तैयार करना चाहिए। मेरे लाइफ में जितने भी कैरेक्टर्स आए उसकी प्रोसेस तैयार करने की अलग अलग थी। वैसे जब लाइक बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जो मेथड एक्टिंग की जो एक्सरसाइजेज उसमें यूज़ करनी पड़ती है, बहुत सारे जो होते हैं बहुत स्पॉन्टेनियसली कर लेते हैं आप, स्पॉन्टेनिटी की ज़रूरत होती है। बहुत सारे जो सिर्फ डायरेक्टर, जो अगर मालूम है कि डायरेक्टर बहुत इंटेलिजेंट है तो सिर्फ गिवअप कर दो अपने आप को डायरेक्टर पे। लेकिन क्या आइडिया था कि अच्छा फिल्म में जाना है या बस आपने सोचा कि थिएटर? मैंने कभी फिल्मों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मुझे था कि मैं पूरी ज़िंदगी थिएटर करूँगा। अच्छा, और थिएटर के अलावा मैं कभी, मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं कभी, चूँकि हालात ऐसे हो गए थे दिल्ली में तो फिर आना पड़ा यहाँ पे। और यहाँ पे भी मैं सिर्फ इसलिए आया था कि छोटे मोटे सीरियल में काम मिल जाएगा, वहाँ से रिजेक्शन हुआ सीरियल्स में तो फिर फिल्मों की तरफ भागे। नहीं, इंटरेस्टिंग है, लोग फिल्मों से भाग जाते हैं, आप फिल्मों की तरफ भागे। क्योंकि TV सीरियल में काम ही नहीं मिला मुझे, मिलते तो छोटे मोटे मिल जाते थे।
वहाँ से रिजेक्शन इसलिए हो रहा था क्योंकि एक्स्ट्रा लाइट लगानी पड़ती थी मेरे फेस पे वो हम सब मैं और इतना इतनी देर में तो एपिसोड चैनल मतलब वहाँ जाना होता था, डिलीवरी का टाइम आ गया, डिलीवरी का टाइम हो जाता था। मैं तो सर्वाइवल के लिए आया था, मैं खाने के भी लाले मेरे खाने के भी लाले पड़ गए थे वहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली में स्ट्रीट प्लेस किए मैंने बहुत सारे, उसमें मिल जाता था 50-60 रुपये मिल गए एक शो के। क्या बात, तो वो कभी हुआ कभी नहीं हुआ वो, तो अपने क्या करें यार, भूखा मरने तो बम्बई में जाके मर जाते हैं ऐसा सोच के आए थे यहाँ। एक जंप तो लें हैं, एक जंप ले लेते हैं यहाँ, थोड़ा पेट भरा हो तो फिर थॉट भी अच्छे आते हैं है ना। ऐसा कोई मोमेंट, आई एम श्योर अभी आपने बताया मुझे, एक तो मोमेंट हुआ होगा ना कि यार नहीं हो रहा मेरे से, मैं नहीं कर रहा, इतना था ऐसा कोई मोमेंट? मेरे साथ आई थिंक 9-10 साल तक काम ही नहीं था मेरे पास दिल्ली में, हर रोज यही आता, नहीं जब बॉम्बे में आया हर रोज आते थे थॉट के चले जाएं, बट फिर ये भी होता था क्या मुंह लेके जाऊंगा हाँ वापस, तो बड़ा गया था हीरो बनने, हम तो पहले ही मना कर रहे थे सब ये तैयार होंगे बैठ बोलने के लिए, एग्जैक्टली तो ये सोच के रुक गए, इस वजह ने रोके रखा आपको, इसलिए रोका। अच्छा अच्छी वजह थी, तो अच्छी वजह थी। अभी दिल्ली में जाता तो वहाँ दोस्त बोलते जो थिएटर के लोग थे, गया था बम्बई, हाँ आ जा वापस आ गया तू भी, जैसे सब लोग आ जाते हैं वापस तो तू, मैं भी आ गया। तो मुझे एज एन एडवाइस बताओ, बट आपका तो क्योंकि इंटरेस्टिंग केस है कि आप वापस नहीं जा सकते थे, बट ऑप्शन, बट एज एन एडवाइस अगर आप एक्टर को बोलोगे, बिकॉज स्ट्रगल तो सबके लिए है, क्या दोगे एडवाइस कि अगर टाइम आ रहा है जहाँ नहीं हो रहा, क्या करें, कैसे, क्या, व्हाट शुड एन एक्टर डू उस समय, किसी भी आर्टिस्ट को? सी, मुझे लगता है कि ये टाइम नहीं आ रहा है, ये थॉट ही बहुत गलत है। किसी टाइम का वेट कर रहे, यानी कि आप किसी टाइम का वेट कर रहे हो तो डिसअपॉइंटमेंट भी होगा, नहीं आएगा तो डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ पे नहीं हो, उस टाइम में नहीं हो आप, एग्जैक्टली कि यार मैं तो सोच के आया था मैं स्टार बनूंगा, अब तो मैं ये छोटे मोटे रोल कर, तो ऑफकोर्स मैं सी सक्सेस का कोई वो नहीं होता या कोई टारगेट नहीं होता, हो सकता 50 साल में मिल जाए, लेकिन आपको 50 साल तक फिट रहना पड़ेगा, मेंटली फिजिकली फिट रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने दोस्त देखे, आई एम सॉरी टू से, बट 10-12 साल के बाद नेगेटिव होते चले गए, जो उनकी पॉसिबिलिटीज थी वो भी ख़त्म कर दी खुद ही नेगेटिव होके, जल्दी गिव अप कर दिया आपका, एग्जैक्टली आप करते रहो छोटा मोटा भी मिल रहा है ऑनेस्टी के साथ करते हो, लेकिन जो करने जा रहे हो फिर उसमें इधर उधर नहीं होना चाहिए, फिर वो कर, मेरा ये था कि अगर मैं एक मिनट का रोल था मेरा सरफरोश में, जब मैं वो करने गया पूरी ऑनेस्टी के साथ किया मैंने, चाहे वो शूल में हो, चाहे मुन्ना भाई MBBS में हो, चाहे ब्लैक फ्राइडे में हो, मुझे छोटे छोटे रोल मिलते थे लेकिन फुल ऑफ ऑनेस्टी के साथ करता था, मतलब कुछ वो आपका जेन्युइन एफर्ट दिखा, जेन्युइन एफर्ट ही काम आया, लोगों को लगता है ना जैसे कि अरे यार एक सीन में क्या करूँगा यार एक सीन है, बट मैं कहता हूँ एक सीन में बहुत कुछ किया जा सकता है, एक सीन में आप एटलीस्ट एक मिनट का सीन है तो एक मिनट ऑडियंस को रोक सकते हो आप, अरे यार ये कौन है, मतलब उसमें इतनी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी होती है, जादू के हैं, एक मिनट में इतनी कैपेसिटी होती है, एक मिनट आपको देख रही ऑडियंस, उसमें मैजिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, आदमी यूजुअली सोचता है मुझे बड़ा रोल मिले तब दिखाऊंगा, प्रूव करूंगा, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता, आप जब एक मिनट के सीन में प्रूव नहीं कर सकते तो फिर आपको मैं दुनिया का सबसे अच्छा रोल भी दे दूंगा तब भी नहीं कर सकते आप प्रूव, मुझे क्योंकि आपके दिमाग में तो करप्शन है ना कि मुझे बड़ा रोल मिलेगा तभी मैं प्रूव करूंगा, मतलब काम करने नहीं आए हो आप, सिर्फ एक एग्जैक्टली प्लेस पे, हाँ एक टारगेट लेके आए आप, तो जो इंडियन फिल्म मेकिंग जो अभी जिस लेवल पे है जहाँ पे डेफिनेटली कैरेक्टर्स को बहुत यू नो इम्पोर्टेंस है, बट ओवरऑल अभी भी इंडियन फिल्म मेकिंग और बाहर का मे बी हॉलीवुड में क्या डिफरेंस आपको लगता है अभी भी, कुछ कमी क्या है, क्या है डिफरेंस अभी? डेप्थ वाइज बहुत पीछे हैं हम, बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे, थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल पे भी कैरेक्टर करते हैं अभी हम लोग, ये मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग 2-3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं सिर्फ, लाइक एक सैड सेंटिमेंट पे कि ऑडियंस को रुला दो या हंसा दो, सिर्फ इन दो इमोशंस पे काम हो रहा है, या गाड़ी उड़ा दो, हाँ वो तो एक्शन फिल्म में, लेकिन एज एन एक्टर मैं बता रहा हूँ एक्शन, तो अगर ऑडियंस ने रो दिया वाह वाह बहुत अच्छी फिल्म है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, या हंसा दिया यार व्हाट एन एक्टर यार मज़ा आ गया हंसा दिया यार, पूरी एंटरटेन मींस एंटरटेनमेंट, एंटरटेन करना, तो एंटरटेन हमारे दो इमोशंस पे होता है,
अगर मैं बहुत ही न्यूट्रल परफॉर्मेंस करूँ तो उसको अभी तक हमारे यहाँ ऑडियंस ऐसी बनी नहीं जो उसको न्यूट्रल परफॉर्मेंस को लाइक करे। मैं ट्राई करने की कोशिश किया लेकिन दो तीन बार फेलियर हो गया मैं, बट मेरे दिमाग में है कि मैं आगे करूँ उसको कंटिन्यू करूँ। एक आपका कोई इंटरव्यू देखा था मैंने, एक तो इस इंटरव्यू में बड़ा मज़ेदार बात था आपका कि आपने बोला था जब गैंग्स ऑफ वासेपुर में आप जब लास्ट में जब आप शॉट गोलियां मार रहे थे तो एक मोमेंट के लिए आप जोन आउट हो गए थे, आपको लगा कि ये मोमेंट मेरी लाइफ का चैलेंज खत्म बदल देगा अभी यहाँ से। हाँ, वो एक्चुअली ऐसा था कि वो लास्ट सीन था फिल्म का और 3 महीने से हम लोग शूट कर रहे थे कंटिन्यूसली और लास्ट में ये हुआ था। तो जब मैं ये सामने जब मैं सीन कर रहा था तो मुझे इसलिए अच्छा लग रहा था कि एक जो मैं जैसा मैं चाहता था एक फिल्म वैसी मिली और इसके बाद मेरा स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं सोच रहा था सीन करते गोलियाँ चलाते वक्त। हाँ, गोलियाँ चलाते हुए एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि थैंक गॉड मेरा 12-15 साल का स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा, जब ये रिलीज़ होगी तो डेफिनेटली कुछ तो मुझे मिलेगा इसका। जा रहे हो आप अभी, मतलब आपका रास्ता आप खुला रखते हो, मैं जो भी आ रहा है मैं अब्सॉर्ब करूंगा या कुछ हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन की मैं 5 साल बाद से और ये मुझे नेक्स्ट? नहीं, मेरा कुछ नहीं है ऐसा, बट मुझे नहीं मालूम, थ्रू द एक्सपीरियंस जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में पक रही हैं मैं उनको और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। यही है लाइफ, हर रोज़ डिस्कवर करना, हर रोल के लिए अपना आपको अपने अंदर से चेक करना कि ये किसी जगह पड़ा है मेरे अंदर इस तरह का इंसान, ज़रा ढूंढो इसको निकालो। आपके आसपास ही हज़ारों कैरेक्टर हैं, हज़ारों लोग हैं, हज़ारों स्टोरीज़ हैं, एक आदमी को खड़ा करके किसी दिन बात तो करो उससे, आपको ऐसी स्टोरी सुनाएगी, ऐसी चीज़ें होंगी उसके पास, उसका कोई मोल ही नहीं होता। हर आदमी के पास हज़ारों स्टोरियाँ अलग अलग हैं, जितनी दुनिया में जितने लोग अलग अलग लोग हैं, बट उनके पास जाने से ही तो मिलेगा कुछ। अपने आप को शीशे में बंद कर लो कि भाई हम तो स्टार हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, फिर वो दिखता भी है वही दिखेगा। हाँ, ये तो पूरी ज़िंदगी एक टाइप का ही करता रहेगा क्योंकि ना आपने दिया ही नहीं अपने आप को। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। एक बढ़िया सी फोटो लेके आप सारे फोटो ले, बिल्कुल आपको सेक नहीं दो। अरे वाह, एक जो परसेप्शन होता है यू नो फॉर अ मैन ऑफ हिज स्टैचर, यू नो जो परसेप्शन होता है कि ऐसा दिखता होगा या ऐसा होगा या ऐसे बात करेगा या ऐसे रहेगा, देयर वाज नन ऑफ इट दैट यू नो दैट वी सॉ टुडे। एंड ये भी बात उन्होंने बोली कि भाई आप जब एक्टिंग कर रहे हो आप सिर्फ अपना काम के बारे में सोच रहे हो और कुछ नहीं सोच रहे हो, एंड वो हार्ड वर्क से एवरीथिंग चेंजेस, यू नो यू डोंट गिव अप, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, वो हार्ड वर्क कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड अ लूजर। वंस अगेन यू नो आई लर्नड, यू नो यू लर्नड, एवरीबडी लर्न्स, एंड टॉकिंग अबाउट लर्निंग, यू नो वी हैड अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स विद अस यू नो इन दिस एपिसोड एज वेल फ्रॉम पर्ल अकेडमी। You know, they were part of this initiative with us where it's called, you know, the experiential program where they come and witness every shoot. Do not crib, do not compare, do not have these negative ideas about the industry work. Just do what you can and that's all you can do. I think there's nothing more to say, he said it all, so we're just mesmerized. Anna Vyas, she is a woman, she is a creative soul, she is a being in herself, and she started off as a dancer much before she became a fashion designer technically. It is when I graduated 1 year back from NIFT New Delhi, and prior to this I have been doing freelance styling, freelance modeling.
I have been blessed by the universe that I have so many opportunities coming to me where they say that yes, you are fit for this film, or yes, you are fit for this role. Yes, we need a stylist of you who has these kind of visuals and aesthetics. If you can visualize yourself as somebody, I think the half of the job is done there. So for me, visions are very important. I have visualized myself, I've manifested it, and I am doing pretty okay for myself. And I don't see any problem in that. And I still have a lot of visions and a lot of dreams, and I hope to achieve them effortlessly. And if that whole thing can be put into a profession, then I guess I am a professional. A lot of people are running behind doing just one thing and killing their dreams. It is not necessary to just be one person or be someone and that one person. You can be doing your own deeds, what you are plan to do or what the society thinks you should be doing, but don't curb your dreams down, don't curb your passions down. Take that forward, intertwine them, make something unique out of it, you know? What is the difference? Study yourself, understand your concept, understand you as a concept, and get that out. Next week, sitar player and music composer Anushka Shankar. सबका बदला ले रहा है। कैरेक्टर बनी हुआ कैरेक्टर में हाँ वो कैरेक्टर छोड़ दिया मैंने बहुत साल हो गए इसको यस टू वॉच द क्रिएटिव इंडियंस यही ना दैट्स द ओनली थिंग लाइक फाइन मेरा नहीं पता भाई सबका बदला ले रहा है तेरा भैया।